अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जिंजर स्पोर्ट्स। आप सब लोग देख रहे हैं जिंजर स्पोर्ट्स शो। आज हम बात करेंगे तीन चीज़ों के ऊपर। सबसे पहले बात करेंगे आपके साथ पीएसएल 2022 के बारे में। जो न्यूज़ आ रही है कि आपको काफ़ी जगह पर सुनने को मिल रहा होगा, केन विलियमसन पीएसएल का हिस्सा होंगे, क्या ये सही न्यूज़ है, क्या ऐसा होने जा रहा है, क्या केन विलियमसन पीएसएल 2022 के ड्राफ्ट में होंगे, उसके ऊपर मैं आपको बताऊँगा। फिर आपके साथ बात करेंगे मार्शल गोप्टन ने कहा है कि इंडिया में सीरीज जीतना कैसा है, कैसा इंडिया में सीरीज जीतना, वो आपके साथ शेयर करूँगा। एंड एट लास्ट विल टॉक मोहम्मद हफीज़ ने कहा फिर से लीग क्रिकेट को प्रेफर किया है और वो पाकिस्तान की तरफ से कौन सी सीरीज में आउट करने जा रहा है वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और साथ में लगा बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपके साथ बात करते हैं यहाँ पर, मैं आपको पीएसएल के बारे में न्यूज़ दे देता हूँ। पीएसएल 2022 का जो ड्राफ्ट है वो मोस्ट प्रॉबली 8th या 9th दिसंबर को होने जा रहा है और इसके बारे में जो न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है वो कुछ ऐसी है कि लोग कह रहे हैं कि पीएसएल 2022 के ड्राफ्ट के अंदर आपको केन विलियमसन देखने को मिल सकते हैं। अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि न्यूजीलैंड के आपको बड़े बड़े प्लेयर्स बड़ी तादाद में देखने को मिल सकते हैं। ये बिल्कुल ठीक न्यूज़ है कि अराउंड 15 से 18 दिन के लिए न्यूजीलैंड के प्लेयर्स उस विंडो में फ्री होंगे अगर उनका कोई डोमेस्टिक का मैच नहीं होता है, तो उस विंडो में आपको न्यूजीलैंड के बड़े बड़े प्लेयर्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन केन विलियमसन का पीएसएल में खेलने का भी 30-35% चांस है। इसके ऊपर अगर कोई क्लैरिफिकेशन आती है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, लेकिन इस वक्त न्यूजीलैंड के प्लेयर्स तो लास्ट में पीएसएल के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, एक बड़ी तादाद में देखने को मिल सकते हैं। बट केन विलियमसन का पीएसएल खेलना काफ़ी मुश्किल नजर आ रहा है इस वक्त। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि केन विलियमसन आई डोंट थिंक लीग क्रिकेट इतना ज़्यादा खेलेंगे। आईपीएल खेलते हैं, बस वो एक आधी लीग खेलते हैं, आई डोंट थिंक वो पीएसएल की जानिब जाएंगे। दूसरी चीज़ ये है, उनको भी रेस्ट चाहिए, उनकी भी इतनी क्रिकेट है। अभी उन्होंने जो रेस्ट किया हुआ है आपका जो है इंडिया के सीरीज में रेस्ट किया, तो आगे भी उनको रेस्ट चाहिए होगा। ये मेरा ख्याल है वजह है जिसकी वजह से केन विलियमसन नहीं आएंगे। सेकेंडली मोहम्मद हफीज़ एक दफ़ा फिर से जैसे अभी मोहम्मद हफीज़ टीटेल नहीं खेल रहे, बांग्लादेश सीरीज के अंदर नहीं गए हैं, तो अब वो अगले महीने जो पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ की सीरीज है उसमें वो पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ की सीरीज नहीं खेलेंगे, बल्कि आपको मोहम्मद हफीज़ अब देखने को मिलने वाले हैं इन लंकन प्रीमियर लीग। मतलब कि यार एक मेरे ख्याल से बहुत बुरी बात है कि आप इंटरनेशनल क्रिकेट को फोकस नहीं बना रहे हो, तो मेरा नहीं ख्याल है हमें सीनियर प्लेयर्स को कंटिन्यू करना चाहिए। बेशक आपने सेंट्रल को ट्रैक नहीं रखा हुआ है, लेकिन यार आप कुछ शो तो करवाओगे, आप मुल्क के लिए खेल रहे हो, ओके, मनी इज इंपॉर्टेंट, दैट इज ओके, ये भी कोई यार वेस्ट इंडीज नहीं, लेकिन कम से कम वेस्ट इंडीज बांग्लादेश में से एक सीरीज तो खेल लो ना आप। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, दैट इज माई ओपिनियन। बाकी इज नॉट इन द सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, तो इस पर मैं इतना नहीं बात करूंगा क्योंकि इट्स हिज चॉइस एंड पीसीबी कांट डू एनीथिंग अबाउट दैट। एंड सेम गोज़ टू हफीज, ही कैन नॉट, इट्स हिज चॉइस कम्प्लीटली। बाकी बड़ी परफॉर्मेंस दे रहे हैं वो, लेकिन ये गलत है। कमिंग ऑन रेडी द लास्ट न्यूज, वो हमारे पास आती है जी यहाँ पर, जैसे कि आपको पता है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड की टेस्ट सीरीज भी शुरू होने वाली है। तो मार्टिन गुप्टिल का कहना यहाँ पर ये है कि इंडिया में एक सीरीज जीतना ऐसी है जैसे वर्ल्ड कप जीतना। बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है उनकी यार, इंडिया में इंडिया को हराना इज जस्ट लाइक अ मिरेकल, मतलब बहुत मुश्किल है इंडिया में इंडिया को हराना। ये मार्टिन गुप्टिल का भी कहना है कि इंडिया में इंडिया को हराना इज जस्ट लाइक विनिंग अ वर्ल्ड कप, उन्होंने एक सीरीज का। और पिछली दफा जब इंडिया ने इंडिया न्यूजीलैंड से इंडिया के अंदर एक टेस्ट मैच हराया था वो था 1998, उस वक्त केन विलियमसन पैदा भी नहीं हुए थे। ऐसी खुशी में आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में लगे बेल आइकन प्रेस करें। टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।